ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कि बनारस से कुछ दूरी पर बना चुनार का किला रातों रात भूतों ने बनाया था। शाम 5 बजे के बाद किले के आसपास भी भटकना मना है, और तो और दिन के उजाले में भी वहां एक दीवार के पार जाना मना है। वहां किले के अंदर एक कुआं भी है जहां किसी जमाने में उतर के वहां की रानी नहाया करती थी। हिंदुस्तान के सबसे पुराने खंडहरों में से एक ये चुनार का किला 56 BC यानी कि ईसा पूर्व में बनाया गया था। गंगा के किनारे बने इस किले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अश्मित को फोटोग्राफी और पुराने खंडहरों का शौक था। इसके बारे में सुनते ही वहां जाने को मचल उठा। टिकट्स वगैरह करवा के बनारस पहुंचा और फिर वहां से चुनार। वहां पहले तो नाव से पूरे किले की बहुत सारी उसने तस्वीरें ली और फिर उसके बाद पहुंचा किले के अंदर। अश्मित के हाथ जैसे कोई खजाना लग गया था। इतनी खुशी शायद ही किसी और चीज से मिली थी उसे। किले के अंदर ही बने हुए एक खंडहर के अंदर फोटोज क्लिक करते वक्त अश्मित ने महसूस किया कि कैसे वहां की छत पे बड़ी ही अलग किस्म की नक्काशी थी। उसने लाइट चेक की और एक कोने से छत की तस्वीरें लेने लगा। 3-4 तस्वीरें ही ली थी उसने कि तभी अचानक एक पानी की बूंद उसके कैमरे के लेंस पर आकर गिरी। तुरंत ही अश्मित ने लेंस को खोला और कपड़ा निकाल के साइड में बैठकर उस पानी की बूंद को पोंछने लगा कि ठीक तभी उसे लगा जैसे कोई धीमे धीमे आया और उसके ठीक पास आकर बैठ गया हो। लेकिन उस वक्त उसे दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। अश्मित तुरंत वहां से उठ के खड़ा ही हुआ था कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। हाथ पे इतने जोर से चोट लगी थी कि कैमरा छिटक के दूर जा गिरा। अश्मित ने उठकर अपने कपड़ों पर से धूल मिट्टी झाड़ी और कैमरा उठा के देखा। इतनी जोर से गिरने के बावजूद कैमरे या उसके लेंस पर एक खरोंच का निशान नहीं था। उसे राहत की सांस मिली, लेकिन फिर भी लेंस का हाल चेक करने के लिए उसने एक बार लेंस कैमरे में लगाकर देखा तो सामने उसी जगह एक कोने में एक लड़की खड़ी मुस्कुराते हुए इशारे से उसे अपने पास बुला रही थी। कुछ अजीब से कपड़े पहने थे, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की आज तक अश्मित ने नहीं देखी थी। लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराए जा रही थी। अश्मित ने बिना कैमरे के उस तरफ देखा तो वहां कोई भी लड़की नहीं थी। उसने दोबारा कैमरे के लेंस में से देखा तो लड़की वहीं पर खड़ी अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसे इशारे से अपनी ओर बुला रही थी। अश्मित को पता नहीं क्या सूझा, वो धीमे धीमे उस जगह की तरफ चलने लगा जहां वो लड़की लेंस के जरिए दिखाई दे रही थी। उस जगह से तकरीबन 4 कदम ही दूर होगा अश्मित जब उसके कानों में पीछे से किसी ने धीमे से कहा, कुएं के पास मिलो।
ये चुनार के किले का वही कुआं था जिसके बारे में लोग कहते हैं कि किसी जमाने में रानी उसमें उतर के नहाती थी और दासियां और सिपाही उस कुएं को घेर कर खड़े रहते थे। कुएं के पास की मिट्टी का रंग थोड़ा अलग था, बिल्कुल लाल। अश्मित जब उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा तो कुएं से कुछ 50 कदम दूर रहा होगा, जब अचानक कानों में हवा की आवाज बहुत ज्यादा तेज होने लगी। अश्मित ने एक कदम आगे रखा तो एक आवाज आई। अश्मित ने एक और कदम आगे बढ़ाया। अश्मित के हर कदम के साथ यही आवाज हो रही थी, जैसे कोई उसके बढ़ते कदमों के साथ साथ कुएं के अंदर कूद रहा हो। अश्मित ने कुएं की तरफ दौड़ना शुरू किया तो कदमों की रफ्तार के साथ साथ पानी की आवाज भी तेज होती गई और कुएं के पास पहुंचकर जब अंदर झांका अश्मित ने तो अब ना हवा की आवाज थी ना कुएं के पानी की आवाज थी, तो सिर्फ अश्मित के हांफने की और उसकी तेज धड़कनों की। कुएं का पानी इतना शांत था जैसे जमानों से उसमें कुछ गिरना तो दूर, शायद हवा ने भी छुआ नहीं था उस पानी को। अश्मित ने पता नहीं क्या सोचकर एक पत्थर उठाया और डरते डरते उसे कुएं के ऊपर से ही छोड़ दिया। पत्थर जैसे जैसे पानी की तरफ उसे छूने के लिए बढ़ रहा था, अश्मित पता नहीं क्यों घबरा रहा था, और पत्थर पानी को छुए ठीक उससे पहले ही पानी के अंदर से एक हाथ निकला और पत्थर को अपने हाथों में दबोचकर अंदर चला गया। अश्मित के लिए इतना सब शायद कम था। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और कैमरे के लेंस से कुएं के अंदर देखा तो उसे वही औरत दिखाई दी। पानी से ठीक थोड़ी सी ऊपर दीवार पे मुस्कुराती हुई अश्मित को इशारे से बुला रही थी। अश्मित की आंखें चौड़ी हुई और वो कुछ भी करता इसके पहले ही उसे किसी ने इतनी जोर का धक्का दिया कि वो सीधा कुएं के पानी में जाके गिरा। अश्मित खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाने लगा, लाख कोशिशें करके भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। अश्मित का दम घुटे जा रहा था और वो लड़की धीरे धीरे उसके पास आते जा रही थी। उसने अपना हाथ अश्मित की ओर बढ़ाया ही था कि अश्मित की आंख खुली। आंख खोलने के बाद उसने देखा कि वो कुएं के अंदर नहीं, उसे खंडहर के कमरे में पड़ा हुआ था जहां पहली बार उसे किसी ने पीछे से बहुत जोर का धक्का दिया था। उसने खैर मनाई कि ये सब कुछ बस एक सपना था और उठकर हाथ पैर की धूल झाड़ के कैमरा उठाने गया तो अश्मित को समझ आया कि चोट इतनी ज्यादा लगी थी कि हाथों की कोहनियों और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। अश्मित ने नीचे अपने पैरों की ओर देखा तो कुएं के पास वाली लाल मिट्टी से उसके जूते अभी भी सने हुए थे। पता नहीं क्या सूझी उसे कि कैमरा उठा के पहले उसने वापस उसी तरफ देखा जहां सपने में वो लड़की उसे दिखाई दी थी, वहां कोई नहीं था। डरते डरते
धीमे हाथों से उसी तरफ देखते देखते अश्मित ने कैमरे को अपनी आंख से लगाया तो उसकी सांसें इतनी तेज हो गईं जैसे घंटों दौड़ के रुका हो। वहां सचमुच वही लड़की दिखाई दे रही थी जो शायद उसके सपने में उसे दिखाई दी थी। वैसी ही मुस्कुराहट लिए अश्मित को अपने पास बुलाती हुई। अश्मित का बदन डर से ठंडा पड़ गया था। उसे पता था कि उसे करना क्या है। सपने में उसने अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाए थे लेकिन इस बार कदम उसने पीछे खींचे और तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। जैसे जैसे अश्मित के कदम वहां से बाहर जाने को हो रहे थे वैसे वैसे ही वैसी ही आवाज हुई जैसे सपने में उसने सुनी थी। तभी सपने में हुए हादसे को याद करके अचानक ही अश्मित रुक गया। उसने देखा कि दो तीन लोग इधर उधर से बातें करते हुए किले को देखते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे। अकेला होता तो शायद वहां न जाता लेकिन उन लोगों के साथ चलते हुए उसे काफी हिम्मत मिल रही थी। उनके पीछे पीछे चलते हुए अश्मित कुएं तक गया। उन्होंने कुएं में झांक के देखा तो अश्मित ने भी एक पल के लिए सब कुछ भुलाकर कुएं के अंदर देखा। अश्मित सोच ही रहा था कि ये सब कुछ शायद उसका वहम ही रहा होगा कि तभी उसे किसी ने कहा, वो तुम्हें बुला रही है, जाओ जाओ उसके पास जाओ। अश्मित ने पलट के देखा वो जिनके साथ चलता चलता हुआ यहां तक आया था। उन सब ने पुराने जमाने के राजा महाराजा वाले कपड़े पहने हुए थे। अश्मित को अब सिर्फ बचना था। जिंदा रहने का ख्याल ही उसे बार बार आ रहा था। वहां से इतनी तेजी से वो भागा और भागते भागते उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कई लोग घोड़ों पे उसका पीछा कर रहे हो। अश्मित जितना हो सके उतना तेज भागे जा रहा था। कुएं से दूर उसी छत वाली खंडर को पार करके आगे निकला और बस एक पल को अपने पीछे पलट के देखा तो ना जाने सामने किस चीज से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने होश संभाला और झटके से उठ के देखा तो जमीन बिल्कुल सपाट थी। किसी भी चीज से टकराने का सवाल ही नहीं था। जितनी भी आवाजें अभी तक आ रही थी वो सब शांत हो गई थी। दूर दूर तक पसरा एक सन्नाटा सा था। और तभी अश्मित ने नीचे जमीन पर देखा तो कुछ परछाइयां थी जो उसकी तरफ बढ़ी जा रही थी। और तभी हवा की आवाज बेहद तेज होती जा रही थी। अश्मित ने पूरी जान लगा के वहां से भागना शुरू किया और आते जाते दूसरे टूरिस्ट से आंखें बचाता हुआ सीधा किले के बाहर ही जाके सांस ली। अब पीछे पलट के देखने का भी सवाल नहीं था। अश्मित ने तुरंत वहां से गाड़ी पकड़ी और सीधे अपने होटल के सामने आके रुका। चारों तरफ देखते देखते धीरे धीरे अश्मित अपने कमरे में गया। कैमरा टेबल पर रख के कुछ देर अपने आप से ही सवाल कर रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ तो क्या हुआ। अश्मित बहुत ज्यादा थका हुआ था इसलिए नहाने चला गया। नहा के जब दिमाग ठंडा हुआ तो बाहर निकल के सर पहुंचते पहुंचते ऐसे ही आईने पर नजर गई तो देखा उसके कमरे में उसके ठीक पीछे उस किले से मीलों दूर
टेबल पे रखे कैमरा के पास में वही किले वाली लड़की खड़ी थी। अश्मित रुआसी आंखें लिए डरते डरते पलटा तो इस बार शीशे और कैमरे की जरूरत नहीं थी, वो लड़की सचमुच सामने उसे दिख रही थी। और इस बार उसने बिना मुस्कुराए ऐसी ही धीमी सी आवाज में कहा, और इतना कह के वो हवा में कहीं समा गई। दिन दहाड़े अश्मित की आंखों के सामने से वो गायब हो गई। अश्मित को कुछ देर तक तो डर के मारे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। फिर जैसे जिंदगी से हार के एक बोझ की तरह बैठ गया। और तभी अचानक उसे कुछ हुआ, उसने अपना कैमरा उठाया और खींची हुई तस्वीरों को एक एक करके देखने लगा। कई सारी तस्वीरों के बाद उसने एक तस्वीर देखी जिसपे उसकी आंखें ठिठक गईं। एक बोर्ड लगा था उस तस्वीर में जिस पर लिखा था, कृपया यहां तस्वीरें ना खींचे। और ठीक उसी बोर्ड के नीचे वो परछाइयां भी थी जो कि अश्मित का पीछा किले में कर रही थी। अश्मित ने तुरंत सारी तस्वीरों को एक एक करके डिलीट करना शुरू कर दिया। और सारी फोटोज डिलीट करने के बाद एक आखिरी फोटो देख के अश्मित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस आखिरी तस्वीर में अश्मित उसी कमरे के बाथरूम में मरा पड़ा था और खून पूरे बाथरूम में फैला हुआ था। अश्मित तुरंत उठकर कपड़े पहन के भागने को हुआ तो उसके पैरों को किसी ने पकड़ के जोर से बाथरूम में खींच लिया। अश्मित चीखता गया और बाथरूम में खींचता गया। उस देर तक बाथरूम का दरवाजा पकड़ के खुद को बचाने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन एक जोर के झटके के साथ अश्मित बाथरूम के अंदर पूरी तरह चला गया और दरवाजा एक शोर की आवाज के साथ बंद हुआ। कुछ देर तक रोने गिड़गिड़ाने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आई, लेकिन बस कुछ ही देर तक। उसके बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगली बार किसी तस्वीर को खींचने से पहले अगल बगल में लगे हुए बोर्ड को जरूर देख लें।